यहाँ आ जाओ, काई को टेंशन ले रहे हो? टेंशन मत ले हो। चाचा इनका मतलब मालूम है क्या है? जैसे पलंग के आदमी नो कह दे के मजाना आए रो तो के जी आटे बारे हैं। इनको जी मतलब है पलंग ते कोई चार आदमी कछु कह दे जी आटे बारे हैं है? ना जी आटो ना है खावत। देखो गुरु लोग बताया करते थे, हमारे मधुवा उस्ताद भी कहा करते थे, अशोक शर्मा भी कहते थे, मेरे पापा भी कहते थे कि किसी आदमी पे किसी बात का अगर जवाब नहीं होगा तो वो कछु तो करेगा मंच पे। कौन साहब कौन ढोलक बाजे लेके थोड़ी भाज जाएगो। तो जितनी तुमने मुझे गारी दही कहा है जीपी शर्मा जी, जितनी गारी दही कहा है जाको मोई भरोना है लग रो। एक भाई साहब ने कही कि जाति सूचक शब्द मत बोलो। जी भैया कह रहे रसिया बाजी है, मैं ना बोलू, जामे और मुंह में जमीन आसमान को अंतर है, मैं ना बोलूंगो। बाकी पिताजी ने बाकी बीएससी कराई और बीएससी कराए के बाकी भाषा शैली देख लो कितनी बढ़िया है। काहे को जामे उदम कर रहो है लगो परो है, जब मैं पब्लिक से बात कर रहा हूं इसमें क्यों हाथ मार रहा है? क्यों साहब? अरे मैं तो फ्री में बजवाता हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जे धन्ना सेठ है राय के नवाब है, जे 1500 ना है 15000 दे सके, मगर मैंने पहले ही नंबर पे कही फिर कह रहा हूं देख मैं बामन हूं। और तू चाहे बामन लेड़ा के मोते थोड़ी कह रहो है, मोह बुरी ना लग रही। जितनी ज्यादा के उतनी कह दे जे यूट्यूब चल लो है। जा मैं गारी तो पे परेंगी, जो कछु मोए करवानो का वो मैंने तो पे करवाए लो और मैंने तो बदतमीजी साबित कर दो जगाम में। पहले नंबर पे कह के गयो असल बाप को अंत होए तो बदतमीजी मत गई हो, तेने फिर उगाई तो जाको मतलब समझ ले। तो मैं असल बाप को अंसे के कौन को है? मैं कुंगो ना बोरो मत मानी हो, मगर जी बताओ तुम खिसियाए छो रहे हो आज सबरे। वो तो कितनी बताओ बामन पल्लंग अपने उस्ताजन ने ना छोड़ रो नौआ फौआ जाने काका कह रहे हो। खैर तुम्हारी बुद्धि को धन्य हो, जो जैसी सोबत में बैठता है। शंभू भैया इस बात पे गौर करना, जीपी शर्मा जी जो आदमी जैसी सोबत में बैठता है। हाँ देखो इशारो और करने पल्लंग में तो इनकी में जाकी में बैठा हूं। हाँ उजगर कह रहे हो देखो तुम्हारो चेला मोह पे ही, और तुम्हारी आंखन में अगर शर्म हो शर्मा जी, अगर बाकी आंखों में शर्म हो तो ऐसा आदमी अखाड़े में दिखना नहीं चाहिए। बताओ जग्गर में तो जाकी शरण में रह रहा हूं, यानी बदतमीज तू नहीं है जे है शर्मा जी? उजग्गर तुम्हारे मुंह पे ही कह रहा है जो आदमी, तो तुमको शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी के साथ तुम रह रहे हो जो मुंह पे ही अपने उस्ताद को गालियां दे रहा है। जीपी शर्मा बहुत अच्छे ब्राह्मण है, 16 कनागत लग के जिम्बाए मैंने, टॉप के ब्राह्मण है, 16 कनागत लग के नोते भिजवाए भिजवाए के। और बताओ ब्राह्मण थे वो बेर बेर जाने का लेड़ा फेड़ा जाने का कह रहे हो शर्मा जी? अगर बाकी शर्मदार हो और नहीं तो बेशरम की तो कहना सकूं, अगर शर्मदार हो तो जाके अखाड़े में कल लेते दीखियो मत। उजग्गर गारी दे रहो तुम्हें अगलो आदमी, और जो आदमी गारी खाए के पनाह खाए के और भई अखाड़े में रहे उससे ज्यादा बेशरम आदमी हिंदुस्तान में मैंने देखा नहीं है। शंभू भैया आपने जितना नंबर गाया पूरा नंबर बदतमीजी का गाया है। हाँ हाँ सोले ना है बेटा, 32 अगर रह जाए तो 32 खांगो बामनू बामन मांग बेवारो हो तो जैसे सुदामा हथकाओ, फिर कह रहा हूं। मगर तुम में ते एक मर्द ऐसो ना दिख रो जो जा बामन की मदद कर दे। लेड़ा तो कह दोगे दरवाजे पे कोई आ जाए तो लेड़ा। खैर
सब बातों को छोड़ते हुए एक तो यूं कह रहे थे पंडित डुप्लीकेट है, उसका जवाब मैं आपको दूंगा और जनता भी कम है। इस नंबर पे दो चीज रखूंगा, पिछले नंबर पे भी रसिया गा करके गया था कि तेरे पापा ने ना छुओ मेरो अंग मई ते पकड़ उठा लियो, अभी तक तो जवाब आयो ना है। और जब तक तुम दो बाप बेटा जिंदा रहो, इनमें एक बामन है एक जाट है, जब तक तुम जो जिंदा रहो तब तक जवाब दे दियो, अभी तक तो बहो ना है। दो नंबर है गे और ना तुम पे होएगो, और जिस आदमी के पास जवाब नहीं होता है वो ऐसी बदतमीजी करता है जो आप कर रहे थे। मैं नहीं करूंगा, जब बाल्टी ये उतार के जाए दे दियो, जमीन जायदाद जितनी हो जाए दे दियो, मगर बदतमीजी नो कह रहे। विजेंद्र शर्मा ने गायो देखत में चिकनो, सरपी लाल ने गायो वो, विजेंद्र गुरु ने ना गायो वो, सरपी लाल ने गायो, और तुम खाम का मेरे गुरु पे दोष लगा रहे हो। सुनो, जितना नाम मेरे गुरु ने कर दिया ना, 1000 जन्म ले लेना, तुम्हारे राय में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो मेरे बाप के बराबर नाम पैदा करके दिखा दे। पूरे राय में सबन के सेकंड और थर्ड नंबर है, पहलो नंबर उसी आदमी का आता है। अब जा नंबर पे चिचरा के तुम मेरे डोकर है और गारी दही हो, क्योंकि सच्चाई के सच्चाई आदमी के पार हो जाती है, और जब पार रह गई तो जो बामन लेड़ आए कि जे फलाना भैया ऐसे ही के, ऐसे ही के। और जब तक, अरे छोड़ यार, सब जानते हैं अपने मुंह से तारीफ हम अपनी नहीं किया करते, सब जानते हैं इस बात को। खैर, आखिरी नंबर मेरी तरफ से लास्ट होगा, दो चीज रखूंगा और इनकी दोनों बातों का जवाब कि ए मेरे परवरदिगार, अभी अभी गा रहे थे और एक वो गाया था पंडित डुप्लीकेट है, इसका भी जवाब दूंगा। और इसके बाद दो चीज अपनी तरफ से रखूंगा, तुम पे आज की तो चले गया, जवाब होगा नहीं। मैंने एक ही बात कह दी, मैं जिंदगी में अगर किसी से हारा हूं तो गलबजनते ही हारा हूं, गलबजनते ही केवल। तो तुम कितने भी गाल बजाते रहना, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जनता सब जानती है। हाँ जी मां साहब दिखा, भैया शंभू जी के तेरो नंबर गड्ढा में गयो, ये तेरो नंबर गड्ढा में गयो, और तेरी है गई अकल खरे, अकल खराब और मालूम पड़ता है मुझे तेने पी लही आज शराब। के श्री कृष्ण जी बन रहे, ये श्री कृष्ण जी और बन गए, और कोई तुम ज्यादा दिखा के तुम ज्यादा कुख्यात और बातें उल्टी कर रहे, तुम गए भूल सगुन और सा। शंभू भैया मैंने पिछले छंद में कहा था, समझो जाकू गंस, पब्लिक सारा सब समझ रही थी, गंस नहीं मगर तुम्हारी समझ में ही ना आ रहा तो मैं क्या करूं, जा मैं, मेरी कोई गलती ना है। अब देखो दोबारा, के कह दियो बाप पंडा ते जाए के, बाप ये कह दियो, अरे कह दियो बाप पंडा ते जाए के, अरे देख मौत को अपनी मंस नहीं, अरे देख मौत को अपनी मंस नहीं, अरे देख मौते
जीत के कोई चलो जाहे बाकू नेक मिले वो चंद नहीं। कर देओ अरे कर देओ युद्ध की तुम शुरुआत, कर देओ युद्ध की तुम शुरुआत, कर देओ युद्ध की तुम शुरुआत करना जैसने। सबसे पहले तो जवाब उसका ही होना चाहिए, पंडित डुप्लीकेट है, होना चाहिए कि नहीं? मासा बजाए रंग बसंती छा गया। अरे क्या होता है दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना दे रंग बसंती, अरे रंग बसंती, अंग बसंती, अरे ढंग बसंती छा गया। रुक जा, मस्ताना मौसम आ गया। एक सवैया गा रहे थे, छुट्टा बिजारते सबहार बैठे हैं। रुक जा, आराम आराम से बैठ जाने के दर नेक, एक मिनट फिर तुझे उठा लूंगा मैं। तू बड़ो बाबरो है, तू यार इनकी तरह बनो है, बदतमीजी से रसियाबाजी नहीं होती। बड़े बड़े अखाड़े वालों के इतिहास खत्म हो गए, जे तो अभी कल परसों को लौड़ा है, 30 साल है गए मो रसिया का बतकावत, इतने से दिखा रहा हूं, इतिहास खत्म हो गए हैं बदतमीजी गाने वालों के। चाचा आप कह रहे थे छुट्टा बिजारते सब हार बैठे हैं, ने शर्मा जी ते नजर मिला दे, यार गद्दारते सब हार बैठे, यही बात थी। अब देखो शर्मा जी, मैंने कोशिश की है आपके सवैया का जवाब लिखने की, आज तक जितने लोगों ने तुम्हें जवाब दिया होगा बराबर में दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। देख आप कह रहे थे यार गद्दार से सब हार बैठे, नहीं यार गद्दार भयो देख ले सुदामा सो। सुदामा इतना गद्दार था, जब उसकी मां ने चने की पोटली दी तो एक पोटली उसने अपनी तो खा ली, लेकिन दूसरी पोटली जो कन्हैया की थी उसको भी खा गया। जब कन्हैया ने पूछी कि जे तेरे दांत काहे ते बज रहे हैं, कि ठंड ज्यादा लग रही है, तो सुदामा गद्दार था नहीं था? अब जवाब सुने, यार गद्दार भयो देख ले सुदामा सो, उससे कन्हैया भी कर प्यार बैठे हैं। अपनी गद्दी पे से उठाकर सुदामा को बिठा दिया था, अभी अभी चीज गा रहे थे, उसको कन्हैया भी कर प्यार बैठे हैं, और गरीबी की मार में बिजली के तार में, जो कह रहे बिजली के तार ते सब हार हार कहाँ हैं, गरीबी की मार में और बिजली के तार में
आता है करंट फिर भी तार डार बैठे हैं। कौ साहब गलत तो ना कह रहा हूं मैं, हरेक का हुए करंट चाहिए। अगर करंट ना आवेगा तो घर में एलईडी कैसे चलेगी, खेत में पानी कैसे लगेगा, हो रहा है क्या नहीं जवाब। इसको कहते हैं जवाब। जे ना है के जे बामन ले रहा है, जे गाड़ी देवे बारे निरे हैं ना, 1 लाख गाड़ी देंगे तुम्हें, लेकिन कमेटी ने पैसा खर्च किया है, और कमेटी जब पैसा खर्च करती है उसका पैसा बदतमीजी में निकल जाए वो तो मुझे मालूम है, ये जनता क्या कह रही है। लेकिन मैं आपसे इसलिए नहीं कहूंगा कि फिर आए के नहीं के हुए जो बामल ले रहा है कि फलानो, क्योंकि सोबत ही ऐसी है। देख गरीबी की मार में बिजली के तार में आता है करंट फिर भी तार डार बैठे हैं। अब न्यो कह रहे चोर थे उचक्का थे छिनरा थे बच के रहे ना, चोर था कन्हैया जा घर में थे मक्खन चुरा, जा घर में थे मक्खन चुरा तो क्या ना हो। चोर था कन्हैया जो गोपियों को छेड़ता, दोनों बातें है गई है गो। चोर था कन्हैया जो गोपियों को छेड़ता, फिर भी उसी कन्हैया को हम माखन मिश्री का भंडार बैठे हैं। जवाब अगर जवाब हो रहा हो तो जीपी शर्मा जी के लिए तालियां बजाएं। भैया शंभू बांगड़े जी तुम्हारे हाथी जोर रो हूं नीचे थे, मैंने एक भी शब्द अभी तक ये तो नहीं कहा कि तुम जाट हो या तुम बामन हो या कोई और बिरादरी हो, आपके किसी भी कलाकार से नहीं कहा होगा मैंने। अगर कहा हो तो ये जनता अपना जूता उतार करके 500 मारे तब एक गिने, बताओ कहा है ए? लेकिन मुख्य बात ये जिस आदमी के पास सौदा नहीं होगा तो वो ऐसी बातों को करेगा जो कर रहे थे। और तुम्हें अपने उस्ताद की किस्म है सबन की, जा नंबर पे सबसे ज्यादा बदतमीजी करी हो, क्योंकि बिना बदतमीजी के तुम्हारा दंगल होगा नहीं, ये सच्चाई कह रहा हूं मैं। राय बारे 3 अखाड़े हैं, 3 में सबसे नंबर 1 अखाड़ा जो चल रहा है वो शंभू बांगड़े का चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये आदमी पता नहीं ज्ञान व्यान सब भूल करके उनकी तरह चल रहा है पैटर्न पे। ये बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। अच्छे आदमी हो शर्मा जी, तुम्हारा चेला है, मगर तुम्हारी आंखन में अगर शर्म की बूंद होए, जो आदमी बैठ के खुद अपने उस्ताद ही गारी दे रहे हो मुंह होए कब छोड़ देगो बता। शर्मा जी नेकू शर्म होए आंखन में तो कल ते दीखी मतीजा खाड़े में अगर दीख गए तो फिर पब्लिक सब जानती है। जो बताओ उस्तादी में तो जाकी शरण में बैठ रहा हूं हैं। दे चोर था कन्हैया और गोपियों को छेड़ता, माखन मिश्री का दे के भंडार बैठे हैं। अब कह रहे कि छुट्टा बिजारते सब हार बैठे, छुट्टा बिजारते हारे ना है, कह दूं अब तालियां चाहूंगा हैं। माखन और मिश्री का दे भंडार बैठे हैं, बेशक बिजार छुट्टा डोलते बाजार में। ए भाई वाले बेशक बिजार छुट्टा डोलते बाजार में, तुम कर अपनी गैया को क्यों अगार बैठे हैं। कई तो ना है ताली की, चारों लाइनों का अलग अलग जवाब दिया है मैंने। छुट्टा बिजारते सब बार बैठे, कल भैंसिया और गैया करवाए मई ले जावे को वह बिजारे ढूंढबे हार ना बैठे, एक एक लाइन का जवाब दिया है। मगर शर्मा जी अगर शर्मदार हो चाची ते और कुंगो जाए के इन्हें रोक ले हो। अगर शर्मदार हो बताओ उजगरी गारी दे रहा हूं पे मेरे सामने, मैं तो जाकी शरण में बैठ रहा हूं। जो आदमी अपने उस्ताद खलीफाओं की इज्जत ना कर सके वो मुझे कब छोड़ देगा। दे हमने माना तुमने माना, क्या होता है दिल दीवाना, क्या होता है दिल दीवाना। अरे रंग बसंती रंग बसंती
ये रंग बसंती छा गया, अरे मस्ताना मौसम आ गया। कौन साहब भाई गए इतनी बुरी मत के हो शर्मा, मैंने तो कोई घारी उन्हें दई ने भीतरी मार मार रहा हूं मैं। शर्मा जी आखन में शर्म रखियो, उजगर गारी दइए जाने तो मैं पब्लिक के बीच में दइए। अगर अरे पैसा कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, पैसा सब कुछ होता है लेकिन बहुत कुछ नहीं होता पैसा। गालियां खाने के बाद जो आदमी अखाड़े में मौजूद रहे बाको तो भगवान ही रख सके। रंग बसंती अंग बसंती संग बसंती छा गया, अरे मस्ताना मौसम आ गया। अब ये तीन शर्मा घटा करके लाए बैठो है तू शर्मा, एक मन में मत जाइयो शर्मा दो और एक आएगो सर मां, तीन है गए। अब देखो तीन शर्मा अलग अलग घटा के बताऊं, अलग अलग देती है सुंदर अब शर्मा जी बैठी है ककोड़ी में, देती है सुंदर अब शर्मा आई के ना है शर्मा अब शर्मा, देती है सुंदर अब शर्मा जाए झुका ले अपनो शर्मा, और देती है सुंदर अब शर्मा और जाए झुका ले अब तू शर्मा, और दे छोड़े नहीं कोई कसर मा, तीनों है गे अरे छोड़े नहीं कोई कसर मा। जो कह रहे जे पंडित डुप्लीकेट है और पब्लिक पे और के बारे डुप्लीकेट ना है। मैंने भाग तेरा थांगा, मैंने भाग तेरा थांगा, मैंने भाग तेरा थांगा बेटा पूरन, मैंने भाग तेरा थांगा मैं नाऊ अब हागा, मैंने भाग तेरा थांगा मैं नाऊ अब हागा, नाऊ अब हागा भाग तेरा थांगा। और देख मोए मिल रहे हो भर भर पेटे क्योंकि बामन हूं, मोए मिल रहे हो भर भर पेटे है क्यों मेरे संग सामरिया। रुक जा सामरिया सेठ आवे तो जोड़ते बोलियों जैसे डुप्लीकेट पे बुलवा रो काओ। मोए मिल जाए भर भर पेट है मेरे संग सामरिया, जोड़ते बोलो ने लगा कैमरा, मेरे संग सामरिया जे नाटक मैंने कर करके छोड़ दे तुम अब कर रहे हो। मगर शर्मा जी आखन में शर्म होए तो दीखियो मती अखाड़े में, जो आदमी गाली खाके भी लिख रहा है क्या कारण बताऊं जे मोए मिल जाए भर भर पेट है मेरे संग सामरिया से। अरे हम नाम गुरु का करते हैं, हम नाम गुरु का करते हैं, अरे देख तुमसे रसिया बाज बिजंदर शर्मा को पानी भरते हैं। किस्सा लिख दो प्यारे आगे, अरे प्यारो प्यारो और बिजंदर शर्मा ने लिख डारो, वो कह गयो खिचो आते बारो, कह गयो खिचो आ
आके बारो रखे जायो बिच्छो आके बारो कजरा त्रास्त करो आइए एक गीत मैं आपके बीच में रख रहा हूं जिस तरीके से गुरु सत्तो शर्मा जी गाया करते थे हमारे गुरु गाया करते थे उसी प्रकार का एक गीत आपके बीच में रख रहा हूं बजाए मां साहब फिल्मी दुनिया वालों ने लिखा चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया एक धनवान की बेटी ने निर धन का दामन छोड़ दिया चांदी की दीवार देख बढ़ गया आगे कदम और पीछे हटा सकते नहीं के बढ़ गया आगे कदम के बढ़ गया आगे कदम पीछे हटा सकते नहीं अरे सर कटा सकते हैं लेकिन हम अपना सर झुका सकते नहीं अरे सर कटा सकते हैं लेकिन अपना सर झुका सकते नहीं देख दोस्तों चार चौकियों पे मैंने झंडा गाड़ दिया और जैसे ही पांचवी चौकी पे झंडा गाड़ने के लिए पहुंचा तो ये पाकिस्तानी गुंडा इनसे नहीं कह रहा हूं अरे मेरी इतनी हिम्मत कहां है जो इनसे कह सकूं मेरी औकात नहीं है किसी को गाली देने की मैं अपने घर पे भी नहीं देता ना बाजार में देता हूं और रात भर आप देख रहे होंगे किस तरीके से बात कर रहा हूं मैं इनसे ये मेरा व्यवहार है तुम ज्यादा अच्छे गाते होगे ज्यादा अच्छे लिखते होगे मैं थोड़ा कम लिखता हूं कम गाता हूं लेकिन मेरा व्यवहार ऐसा है कि मेरी बुराई कर नहीं सकता आदमी इस पाकिस्तानी गुंडे ने मेरे सीने में गोली मार दी और सीने में गोली लगते ही अपने साथियों के ऊपर वो गिरा तो गिरते ही समय अपने साथियों से क्या कहने लगा बहुत जल्दी नंबर को समापन करूंगा इसके बाद एक चीज और सुनाऊंगा दे ए मेरे दोस्तों मेरे सीने में गोली लग चुकी है मैं बचूंगा नहीं लेकिन एक काम कर देना क्या क्या आराम आराम से बेटा मर जाऊं तो कफन तिरंगा बंटी गुरु मर जाऊं तो कफन तिरंगा तन पे मेरे ओढ़ा देना मर जाऊं तो कफन तिरंगा तन पे मेरे ओढ़ा देना मर जाऊं तो कफन तिरंगा तन पे मेरे ओढ़ा देना चाचा एक भी हाथ ऐसा नहीं बचेगा जो ताली ना बजाए मर जाऊं तो कफन तिरंगा तुम तन पे मेरे उड़ा देना मर जाऊं तो कफन तिरंगा तन पे मेरे उड़ा देना और एक काम कर देना क्या मेरे भारत देश की मिट्टी से 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 मेरे माथे पे लगा देना
मर जाऊं तो कफन के रखता तड़के के ओढ़ा देना। मर जाऊं तो कफन तिरंगा तन पे मेरे ओढ़ा देना। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सुरेश सिंह ठेकेदार जी उनकी तरफ से आया है। 21 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया के तरफ से आया है। अरे मर जाऊं तो कफन तिरंगा तन पे मेरे ओढ़ा देना। मेरे भारत देश की मिट्टी से मेरे भारत देश की मिट्टी से मेरे भारत देश की मिट्टी से मेरे माथे पे तिलक लगा देना। जिस माँ का हमने दूध पिया वो दुख दर्द अनेकों सहती है। जिस माँ का हमने दूध पिया वो दर्द अनेकों सहती है। और भारत के वीरों की टोली चौकस सीमा पर रहती है। भारत के वीरों की टोली चौकस सीमा पर रहती है। और चाचा आपके दिल को छू जाएगी ये लाइन, और अगर छू जाए तो हमारे शर्मा जी के लिए आखन में शर्म होए। हाँ बेटे। अरे भारत के वीरों की टोली चौकस सीमा पर रहती है। और चाचा हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और देख इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। और मेरे भारत देश की मिट्टी से मेरे भारत देश की मिट्टी से मेरे भारत देश की मिट्टी से मेरे माथे पे लग लगा देना। मर जाऊं तो कफन तिरंगा। और चाचा अगर आपकी इजाजत हो जाए तो नेक न्याय जाऊं आ जाऊं। हाँ तभी मजा आवेगो जा लाइन में दे। शर्मा जी आपका बच्चा हूं लेकिन थोड़ी सी आप शर्म उतार बैठे हैं। जिस आदमी पे जिस अखाड़े में गालियां पड़ने लग जाएं उसको अखाड़ा छोड़ देना चाहिए है? अरे मैं बुरी का कह रहा हूं सच्चाई कह रहा हूं, और सच्चाई तो बुरी लगेगी। हाँ कह रहे क्या नहीं बता, मगर कोई बात नहीं दे। आजादी देकर चले गए अपना रंग के बसंती चोला है। ओ आजादी देकर चले गए रंग के बसंती चोला है। कौन साहब देख लो जऊ जई बात है जई कह रहे हैं, और जेऊ भाई साहब वही बात कह के गए। वो बात समय बामन लेना है रही काई तब इनते नाय कही होगी काऊ ने। मैं जानता हूं इनसे क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं इस आदमी से कहने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि जो आदमी जैसी सोबत में बैठेगा वो वैसा ही काम करेगा। मैंने सोबत ली है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की, जो आप जैसी बात करता हूं
और इनकी सोबत है देख। अरे आजादी को देख चले गए, कफन को ये कुर्बानी है। गाल पे छाटा मार देते हैं बेटे। आजादी दे करके चले गए, अपना रंग के बसंती चोला है। ओ आजादी को देख चले गए, रंग के बसंती चोला है। अब लाखों जान चली गई फिर भी ना भेद बतन का खोला है। अरे लाखों जान चली गई फिर भी भेद बतन का न खोला है। और दोस्तों अगर बाकी हिंदुस्तानियों सब तो सबकी तालियां चाहूंगा हम बड़े। अरे आजादी को देख चले गए, रंग के बसंती चोला है। लाखों जाने चली गई पर भेद बतन का न खोला है। और चाचा सीने पे गोली खा करके, सीने पर गोली खा करके, सीने पर गोली खा करके। शंभू भैया देखो बढ़िया बातों पे तालियां बजती हैं। सीने पर गोली खा करके उनने बंदे मातरम बोला है। ओ सीने पर गोली खा करके बंदे मातरम बोला है। और चाचा मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर तुम हिंदुस्तान लिखा देना। अरे मरने के बाद मेरे, मरने के बाद मेरे, अरे मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना। और मेरे भारत देश की मिट्टी से, मेरे भारत देश की मिट्टी से मेरे भारत देश की लगा देना। मर जाऊं तो कफन तिरंगा। दोहाई राष्ट्रीय गान के ज्ञाता की। हो धन्य धन्य में दऊ दोहाई बार राष्ट्रीय गान के गाथा की। बेटा धन्य धन्य में दऊ दोहाई बार राष्ट्रीय गान के ज्ञाता की। हो धन्य धन्य में दऊ दोहाई बार राष्ट्रीय गान के ज्ञाता की। धरती पे मैंने जन्म लिया है, और ये जो बैठा है मेरा किसान, जय हो किसान से दाता की। धरती पे बैठा है किसान ये, जय हो किसान ये दाता की। और चाचा आखिरी बार कहूंगा, इसके बाद नहीं कहूंगा, जय हो किसान ये दाता की। और भारत के साहब, ओ भैया तुम्हें सुनाने तो आए ही हैं हम। जय हो किसान ये दाता की, जय हो किसान ये दाता की। और तुमने भारत में घर जन्म लिया है, भारत में घर जन्म लिया है, भारत में घर जन्म लिया है। तो जय बोलो भारत माता की। अरे भारत में जो जन्म लिया है, भारत में जो जन्म लिया है, जय बोलो भारत माता की। और चाचा बाबा भीम ने जो लिख दिया हमारे हिंदुस्तान में, तमाम नेता रोल ने, जो देवेंद्र लाल आए, जे रामवीर उपाध्याय, जे फलाने विधायक हैं, जे फलाने विधायक हैं, अगर वाकई हिंदुस्तान के अंदर नेता हुए तो केवल दो हुए। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके संविधान की वजह से आज आप और हम बोलते हैं, और दूसरा नेता जिसका नाम लेने से पहले ही सुतई
अपने आप लिखा जाता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोस। अरे बाबा भीम ने जो लिख दिया तुम वो संविधान लिखा देना। अरे बाबा भीम ने जो लिख दिया वो संविधान लिखा देना। बाबा भीम ने जो लिख दिया वो संविधान लिखा देना। ये बात मैंने क्यों कही चाचा? मैंने पहली लाइन में बोला था कि सच कहना भारत की नारी किसको अपना। मैं भारत की नारी की बात कर रहा था। बजरंग किस्सा लाया हूं मोर मोरनी है। अरे तुम्हारो सत्यानाश जाए तुम्हारो। मैं नारी की बात कर रहा हूं मोर मोरनी की। जाने कहां से निकाल लाए। और मैंने नीचे से तालियां बजाई थी तो न्यो कह रहे थे हाँ मनोज भैया ने मान ली। वो माले में सराफत की ताली नहीं वो लानत की ताली तुम पे जो मैंने बजाई थी। अरे बाबा भीम ने जो लिख दिया वो संविधान लिखा देना। अरे बाबा भीम ने जो लिख दिया वो संविधान लिखा देना। और मेरे भारत देश की मिट्टी से मेरे भारत देश की मिट्टी से मेरे भारत देश की मिट्टी से मेरे और माथे पे तिलक लगा देना।